हेलो गाइस, पहले तो आप सभी को ईद मुबारक। आज एक स्पेशल दिन है, तो स्पेशल दिन पे करेंगे एक स्पेशल आरसी कार की अनबॉक्सिंग। ये कार इंडिया में सिर्फ मेरे ही पास है, तो चलो गाइस वो कार अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आर्मा फायर टीम आरसी कार। इसका साइज देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा है। इस कार को मैंने 1 लाख रुपीज में खरीदा है। ये कार पूरी तरीके से मिलिट्री थीम पे बनाई गई है। इसका मतलब ये कि ये कार बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा रगड़ होने वाली है। गाइस आज मैं इसकी फाइट कराऊंगा दूसरी आरसी कार के साथ, जैसे कि ये डब्ल्यू टॉयज 2427। ये एक चेज आरसी कार है, ये है टोयोटा मेटल ट्रक, ये एक बिग फुट आरसी कार है, ये है अपना होवर बोर्ड। चलो गाइस फटाफट से कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट। उससे पहले करते हैं इस कार को अनबॉक्स। ये कार की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। दो कलर्स में मिलती है, ब्लैक कलर और इस तरह का एक व्हाइट एंड ब्लैक कलर भी मिल जाता है। यहाँ पे आप इसके हार्डवेयर का इन्फॉर्मेशन देख सकते हो गाइस। इसके अंदर भी मिलती है स्पेक्ट्रम की ब्रशलेस मोटर, कूलिंग फैन भी दिया गया है। इसके अंदर 6S कैपेबल बैटरी डालनी पड़ती है। इस कार के अंदर एक स्पेशल चीज ये है कि इसके अंदर हैंड ब्रेक भी देखने को मिलता है। गाइस देखते हैं गाइस ये कार का साइज कितना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि बॉक्स के ऊपर तो लिखा है कि ये कार 1:7 स्केल मॉडल पे बनाई गई है। तो भाई बॉक्स सच में काफी ज्यादा बड़ा है। ओ भाई साहब, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कार इतनी ज्यादा बड़े साइज की होगी। देखो गाइस कलर बहुत ज्यादा कमाल का है। मैट फिनिश दिया गया है ये कार के ऊपर। तो ये ऊपर का जो कार्डबोर्ड है मैं इसको हटा देता हूँ। माय गॉड बहुत ज्यादा वजन है यार इसका। यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ और रख देते हैं इसको यहाँ पर। इस कार के व्हील्स अगर आप देखोगे ना गाइस, सच बता रहा हूँ हैरान रह जाओगे। इस तरह के व्हील्स तो मैंने आज तक कोई भी कार के अंदर नहीं देखे यार। भाई साहब क्या यूनिक डिजाइन के व्हील्स इसके अंदर दिए गए, और इनका साइज भी देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पे एक और बॉक्स दिया गया है, शायद इसके अंदर रिमोट कंट्रोल दिया गया होगा। गाइस फटाफट से ये भी निकाल मैं आपको दिखा देता हूं। बिल्कुल क्रेटोन जैसा ही रिमोट इसके अंदर दिया गया है। यहां पे शायद इसका हैंड ब्रेक का बटन है। स्टीयरिंग काफी ज्यादा टेक्टाइल है। 3 AA बैटरी डालनी पड़ती है रिमोट को ऑन करने के लिए। तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहां पे इसके स्पैनर है, कुछ एलंकी वगैरह दिए गए हैं, तो इसकी कुछ यूजर गाइड है। ये इसका स्पेशल गियर, इसी तरह का गियर आप लोगों ने आर्मा क्रेटोन के अंदर भी देखा होगा। कार कितनी ज्यादा बड़े साइज की है और इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा दी गई यार। चार बंदे बैठे हुए और चारों के हाथ में मशीन गन्स भी दी गई है। कैमो डिजाइन दिया गया है। यहां पे इस तरह के क्लिप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर भी दिया गया है। यहाँ पे नो स्टेप ऑन स्टेप बोल के कुछ लिखा हुआ है। ये कार पूरी तरीके से मिलिट्री वालों की कार जैसी ही दिखाई दे रही है। इसके सस्पेंशन देखो यार बहुत ज्यादा स्मूथ दिए गए। यहाँ पर इस तरह का फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है यार। अंदर का जो ड्राइवर है और ये जो सोल्जर्स है पूरी तरीके से मूवेबल है। आप देख सकते हो इनके हाथ वगैरह मैं यहाँ से हिला भी सकता हूँ, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के दिए गए। और जहां तक इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, काफी ज्यादा सॉलिड इसकी बिल्ड मेरे को लग रही है। यहाँ पे पूरी तरीके से एल्यूमिनियम अलॉय दिया गया है। तो गाइस अगर आप ये कार खरीदना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में आपको व्यू प्रोटेक्ट दिखाई देगा, वहां पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये है इसका अंदर का हार्डवेयर। यहाँ पे एक टी रॉड देखने को मिल जाता है, ताकि इसका चैसिस बेंड वगैरह ना हो सके। आर्मा क्रेटोन आरसी कार के मोटर के ऊपर फैन नहीं दिया गया था, पर इसके ऊपर देख मोटर के ऊपर फैन भी फिट किया गया। अभी एक स्पेशल चीज बताता हूँ, ये चीज मैंने आज से पहले कोई भी कार के अंदर नहीं देखी यार। ये है एक्चुअल में एक हैंड ब्रेक। जैसे ये हैंड ब्रेक हम लोग लगाते हैं, ये कार बहुत अलग अलग तरीके से मैन्यूवर भी कर सकती है। गाइस इन दोनों के बीच में मैं आपको व्हील का कंपैरिजन करके बताऊं, तो व्हील्स देखो यार कितने ज्यादा डिफरेंट है। इसके व्हील्स काफी ज्यादा हार्ड दिए गए, ये व्हील्स काफी ज्यादा स्मूथ है। इस वजह से हम लोग इसको ऑफ रोड में भी चला सकते हैं। गाइस आप देख सकते हो सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। फिर मैंने यहाँ पे टोयोटा मेटल ट्रक को भी रख दिया है। ये कार इसके सामने एकदम पिद्दी सी नजर आ रही है। अभी कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखेंगे आज आर्मा फायर टीम को कौन सी कार हरा पाती है। चलो गाइस लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले आर्मा फायर टीम को टेस्ट करते हैं। ईंट जितनी बड़ी बैटरीज मैंने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ से इसको ऑन भी कर दिया है। ऑन करने के बाद देखो यार इस तरह की आवाज आने लगती है हर एक आर्मा कार के अंदर। इसका फैन देखो यार कितनी तेजी से घूमने लगा है। चलो गाइस इसको ऊपर का कवर मैंने लगा दिया है, तो अब इसको चला के भी देखते हैं। स्पीड बहुत ज्यादा मेरे को लग रही है ये कार दोनों तरफ से। बिल्कुल भाई ज्यादा स्पीड चलाने पर ब्रेक बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं लग रहे हैं। इस वजह से मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर हैंड ब्रेक दिया गया है। हैंड ब्रेक अभी थोड़ी देर में मैं आपको टेस्ट भी करके बता देता हूँ। देखो ये कार इतनी ज्यादा बड़ी है, फिर भी छोटे से एरिया में काफी अच्छी तरीके से टर्न हो रही है, और इसकी कंट्रोलिंग भी मेरे को बहुत ज्यादा बेटर लग रही है। अगर इसको हाई स्पीड में चलाएंगे तो ये कार इस तरह से पलट रही है। अभी रिमोट के अंदर यहाँ पे इसका हैंड ब्रेक दिया गया है। इसको हाई स्पीड में चला के मैं हैंड ब्रेक अभी लगाने वाला हूँ। देखते हैं इस कार किस तरह से रुकती है। ओ माय गॉड इतनी ज्यादा स्पीड से चलने वाली कार देखो एकदम से रुक रही है जैसे मैं हैंड ब्रेक इसके अंदर लगा रहा हूँ। ये फीचर आर्मा फायर टीम के अंदर मेरे को बहुत ज्यादा सही लग रहा है यार। अभी चलाते हैं 6000 RC कार को। ये कार भी बहुत ज्यादा टफ मटेरियल की बनाई गई है। ये कार बहुत आसानी से कंट्रोल भी हो जाती है, और इसके ब्रेक्स आप खुद देख सकते हो कितने परफेक्ट दिए गए हैं। अब टेस्ट करते हैं डब्ल्यू टॉयज 1247। इसके अंदर मैंने बड़ी बैटरी डाल दी है, इस वजह से कार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसकी कंट्रोलिंग कितनी ज्यादा तगड़ी दी गई है। अब टेस्ट करते हैं टोयोटा मेटल ट्रक को। ये ट्रक थोड़ा सा स्लो चलता है, पर इसके अंदर गियर शिफ्टर होने के कारण जैसे हम इसको लो गियर में चलाते हैं तो इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
अब रेस कराते हैं आर्मा फाइटिंग वर्सेस डब्ल्यू टॉयज आरसी कार के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन सी कार जीती है। जैसे ही मैंने दोनों के अंदर फुल स्पीड बढ़ा दी है, दोनों की स्पीड पहले तो मेरे को उतनी लग रही थी, पर आर्मा फाइटिंग आगे निकल गई है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा खतरनाक है कि गाइस देखो मेरा कैमरा तक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पा रहा है। क्लियरली यहाँ पे रेस को जीत चुकी है आर्मा फाइटिंग। अब देखते हैं चेज आरसी कार आर्मा फायर टीम के सामने टिक पाती है या नहीं। जैसे ही मैंने रेस स्टार्ट किया, शुरुआत से ही आर्मा फायर टीम बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। इसके आसपास में भी चेज आरसी कार नजर नहीं आ रही है। चेज आरसी कार क्लियरली यहां पर हार चुकी है आर्मा फायर टीम की। एक सबसे खास चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने रिवर्स कर दिया, स्लो मोशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके व्हील्स देखो, जैसे हम इसको हाई स्पीड में चलाने लगते हैं एक्सटेंड होकर काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, इस वजह से इसको ट्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। इसीलिए आर्मा फायर टीम की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर भी ज्यादा तक जा सकती है। आने वाले दिनों में देखते हैं गाइस क्या ये कार एक्समैक्स को रेस में हरा पाएगी या फिर नहीं। अब देखते हैं ये आर्मा फायर टीम के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। इसकी मैं तगो फोर कराने वाला हूँ होवरबोर्ड के साथ। होवरबोर्ड के ऊपर मैं चल चुका हूँ, देखते हैं गाइस ये जीती है या फिर होवरबोर्ड जीतता है। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आगे जाने के लिए, पर अचानक से फायर टीम ने मेरे पैरों के नीचे से खिसका आगे रख दिया है होवरबोर्ड को और ये घसीट के लेके जा रही है यहाँ पर। अब आमने सामने वाली फाइट कराते हैं टोयोटा मेटल ट्रक वर्सेस आर्मा फायर टीम के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन सी कार जीती है। यहाँ पे दोनों के बीच में काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला हो रहा है, उतने में ही टोयोटा मेटल ट्रक ने उठा के फेंक दिया है फायर टीम को। पर फायर टीम देखो यार वापस से यहाँ पे सीधी हो चुकी है, अब इसको आ चुका है बहुत ज्यादा गुस्सा। भी कराते हैं दोनों के बीच में राउंड टू, देखते हैं दोनों में से कौन सी कार जीती है। आर्मा फायर टीम पूरी तरीके से टोयोटा मेटल ट्रक को पीछे ढकेल रही है, यहाँ पे पटक के रख दिया है नीचे। भाई साहब ये कार सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। अब देखते हैं फायर टीम ये दोनों कार से किस तरह से निपट पाती है पुशबैक में। यहाँ पे डब्ल्यू एल टॉयज तेज बनने की कोशिश कर रही थी, देखो डब्ल्यू एल टॉयज ने ऑलमोस्ट उठा लिया था पूरी तरीके से आर्मा फायर टीम को, पर आर्मा फायर टीम इसके ऊपर से जंप मार के निकल चुकी है। यहाँ पे इनके बीच में हो चुका है टाई, अभी कराते हैं इन तीनों के बीच में टग ऑफ। और एक तरफ मैंने बांध दिया है बिग फुट और डब्ल्यू एल टॉयज को, दूसरी तरफ बांध दिया है आर्मा फायर टीम को। देखते हैं गाइस यहाँ पे कौन जीतता है। क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो आर्मा फायर टीम इन दोनों को घसीट के लेके जा रही है बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे बुरी तरीके से बवंडर मचा रखा है यार, यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आर्मा फायर टीम के सामने ये दोनों आरसी कार्स इतनी जल्दी हार जाएंगी। यहाँ पे आप स्लो मोशन में भी देख सकते हो यार आर्मा फायर टीम कितने खतरनाक तरीके से इनको धूल मिट्टी में घसीट के लेके जा चुकी है। अब एक काम करते हैं गाइस, ये चारों आरसी कार्स को एक तरफ बांध देते हैं और दूसरी तरफ आर्मा फायर टीम को मैंने बांध दिया है, देखते हैं क्या आर्मा फायर टीम ये चारों को इकट्ठा हरा पाती है। यानी अब शुरू हो चुकी है इनके बीच में लड़ाई। यहाँ पे आर्मा फायर टीम पूरी कोशिश कर रही है इन चारों को खींचने के लिए और ये चारों आरसी कार्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर आर्मा फायर टीम के सामने ये टिक नहीं पाएंगे ऐसा मेरे को लग रहा है। यहाँ पे देखो गाइस पूरी तरीके से तूफान मचा रखा है ये चारों आरसी कार्स और आर्मा फायर टीम ने, आर्मा फायर टीम ने इन सभी को खींचना चालू कर दिया है। इसके व्हील्स देखो कितने ज्यादा बड़े हो चुके हैं और ये पूरी पावर लगाकर इन सभी को घसीट के लेके जा रही है। आर्मा फायर टीम ने इन सभी को हरा के रख दिया। यहाँ पे देख सकते हो यार कितनी ज्यादा धूल मिट्टी गिर चुकी है इन सभी आरसी कार्स के ऊपर। मैंने आज तक डब्ल्यूएल टॉयज के ऊपर इतनी ज्यादा मिट्टी बिल्कुल भी नहीं देखी यार। ये मॉन्स्टर ट्रक की भी हालत आप देख सकते हो, जहाँ पे देखो सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी गिर रही है यार इसके अंदर से। तो यहाँ पे टोयोटा मेटल ट्रक की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। अब कराते हैं रैम जंप, देखते हैं कौन सी कार कितनी दूर तक जंप कर पाएगी। यहाँ पे आर्मा फायर टीम ने जंप लगा दिया है, ये कितनी दूर जा रही है आप देख सकते हो गाइस। इसने गलत तरीके से लैंड किया है भाई साहब, उल्टे मुंह गिरी है ये पूरी तरीके से और इसका पीछे का हिस्सा देखो यार टूट चुका है। इसकी जो ऊपर की बॉडी है इतनी ज्यादा मजबूत मेरे को लग नहीं रही है, पर इसके जो नीचे की चैसिस है और इसकी जो बॉडी है बहुत ज्यादा मजबूत है यार, इसके ऊपर तो एक खरोच तक नहीं आई है। अब कराते हैं रैम जंप डब्ल्यू एल टॉयज 12427 के साथ, देखते हैं ये कितनी दूर तक जंप कर पाएगी। काफी परफेक्ट लैंडिंग है इसकी, पर ज्यादा दूर तक ये जंप नहीं कर पाई है। अभी चेज आरसी कार को यहां से जंप कराते हैं गाइस, ये चेज आरसी कार भी ज्यादा दूर तक जंप नहीं कर पाई है। क्लियरली विनर है आर्मा फायर टीम। कराते हैं इनके बीच में ड्रिफ्ट टेस्ट, देखते हैं गाइस कौन सी कार सबसे ज्यादा तेज तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। यहाँ पे ये तीनों ही कार बहुत स्पीड से ड्रिफ्ट कर सकती है, पर आर्मा फायर टीम की स्पीड और ये कितनी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ा रही है आप खुद देख सकते हो यार, ये तीनों ने यहाँ पे पूरी तरीके से तूफान मचा रखा है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये सभी आरसी कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी और मैं आने वाले दिनों में फायर टीम के साथ कौन सी कार की फाइट कर रहा हूं, ये भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है पीयूष, समीर, संदीप, अंकित, मनदीप, शेखर, अब्दुल्ला, अहमद, अंशु, प्रियांशु, सक्सेना। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।